लेकिन मेरी फेवरेट लव स्टोरी, जो थोड़ी ट्रैजिक भी है, मेरे पैंडा और मूज की है। यार तुम बड़ी डेंजरस हो, यानी सेक्सी में। सेक्सी चौधरी। मेरी बड़दादी यार लाल मिर्चों का अचार बनाया करती थी। लगता है आज मेरी मिर्ची का नंबर आया। बना दूँ अचार? इतना चीप है ना तू। ये गलियां, ये कूचे। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तेरे अलावा मुझे किसे इंप्रेस करना? मैं पूरी तरह प्रेग्नेंट हूँ। क्या बात कर रही है? कैसे हो सकता है? कहा था मैंने तुमसे, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पहन लो कॉन्डम। अदिति हम ये रिस्क नहीं ले सकते। शाम तो है। चलिए सब कहिए आई शी। और हर लव स्टोरी की तरह इनकी स्टोरी में ट्रेजेडी लाने वाली विलन मैं हूँ। डिवोर्स हो रहा है आप लोगों का? अगर हो रहा है तो पार्टनर मैं आपके साथ रहूंगी। मुझ बहुत पकाती है। तुम्हारे लंग्स के बारे में, तुम्हें जो हुआ है उसे बुलसफन लंग डैमेज कहते हैं। सीरियस कंडीशन है। मतलब मैं मरने वाली हूँ? मैं ऐसे कैसे पूछती कि तुझको पैदा करूँ या मार? मुझे नहीं मर रहा। तो क्या मरने दे उसे? सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है वो, मेरी बेटी भी है। मुझे आयशा के अलावा किसी और के लिए कुछ करना आता ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आयशा के लिए सब कुछ तुम्हें किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ना तो मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करना है, ना किसी और को। तुम बाहर में जा सकते हो। तुम देखना आदिति, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार आयशा ठीक हो जाए ना, फिर साथ में बैंक लूटेंगे। पागल हो गए तीनों। सोचो अगर 11 बच्चे होते तो क्या होता? गाइस कंट्रोल। पैंडा और मूज की लव स्टोरी हिट हो या फ्लॉप, मुझे इतना पता है कि बेस्ट विलन का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। अच्छा, आप लोगों की एज क्या थी जब आपने फर्स्ट टाइम किया था?